Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Today we will do our half yearly syllabus because we have already done our quarterly syllabus. So we will today do our half yearly syllabus. Okay? देखिए हमने पहले ही हमारा क्वार्टरली सिलेबस कर लिया है तो आज हम हमारा हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट करेंगे. हमने प्रैक्टिस पेपर भी कर लिए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे प्रैक्टिस पेपर सेंड नहीं किए हैं वो प्लीज कल तक मुझे प्रैक्टिस पेपर सेंड कर दें. ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाफ ईयरली सिलेबस की अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम का ऊ की मात्रा से हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग करते हैं. तो हमने ऊ की मात्रा क से श्व तक करनी है लगानी है. हमारा क्वेश्चन क्या है? ऊ की मात्रा लगाओ. जब हमारे किसी भी शब्द में अक्षर में ऊ की मात्रा लगती है तो जैसे क में ऊ की मात्रा लगेगी तो उसका साउंड ऊ हो जाएगा. ओके अगर बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो कू कू होता है. अगर छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो कू ओके. तो ये डिफरेंस है छोटे ऊ की मात्रा में और बड़े ऊ की मात्रा में. जो ये मात्राएं होती है इधर जो हम इधर की तरफ मात्रा लगाते हैं ये छोटे ऊ की मात्रा होती है और जो हम उस तरफ फेस करके इसकी मात्रा लगाते हैं तो वो बड़े ऊ की मात्रा होती है. छोटे ऊ की मात्रा में क्या होता है? छोटे ऊ की मात्रा में हमारा साउंड छोटा होता है और बड़े ऊ की मात्रा में हमारा साउंड बड़ा होता है. कू और छोटे ऊ की मात्रा में कू ओके. ये हमारा डिफरेंस होता है. जैसे ही र र को छोटे ऊ की मात्रा रू रू ओके. तो ये हम अब स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क क को हमें छोटे ऊ की मात्रा क से श्र तक लगानी है. स्टार्ट करते हैं हम क से. क क को छोटे ऊ की मात्रा कु. क के बाद में ख. ख को छोटे ऊ की मात्रा खु. ग ग को छोटे ऊ की मात्रा गु. फिर घ. घ को छोटे ऊ की मात्रा घु. फिर ड. ड को छोटे ऊ की मात्रा डू. ओके उ खु गु डू. ओके अगर हमें बड़े ऊ की मात्रा यहां लगानी होती तो कु खू ऐसे बोलते. ओके नेक्स्ट क्या आ जाएगा? च. च को छोटे ऊ की मात्रा चु. फिर छ. छ को छोटे ऊ की मात्रा छु. ज. ज को छोटे ऊ की मात्रा जु. ओके फिर ज. झ. झ को छोटे ऊ की मात्रा छु. फिर यहाँ यहाँ को छोटे ऊ की मात्रा यू. ओके नेक्स्ट ट. एक बार उसको करने से पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं. चु छु जु जु. ओके नेक्स्ट ट. ट को छोटे ऊ की मात्रा टू. ठ. ठ को छोटे ऊ की मात्रा टू. ड. को छोटे ऊ की मात्रा डू. ध. ढ को छोटे ऊ की मात्रा ढू. फिर ण. ण को छोटे ऊ की मात्रा नू. ओके नेक्स्ट हमारा आ जाएगा त. त. त को छोटे ऊ की मात्रा तू. थ. थ को छोटे ऊ की मात्रा थू. बेटा सबको क से श्र तक तो सबको आते ही है तो सेम वही पैटर्न है. क से श्र लिखना है ओनली हमें उसके नीचे मात्राएं लगानी है. और कुछ बच्चे मात्राएं बिल्कुल अच्छे से नहीं लगाते हैं तो उनको मात्राएं बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए. कुछ बच्चे ई की मात्रा लगाते हैं तो वो ऐसे लगा देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि मात्रा लगी भी है या नहीं है. मात्रा ऐसे बड़ी बड़ी पूरी विजिबल होनी चाहिए कि आपने मात्राएं लगाई है. ओके तो ऊ की मात्रा भी ऐसे ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए सबका. फिर थ. 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 थ के बाद में द. तो द. द को छोटे ऊ की मात्रा दू. ओके फिर ध.
ध को छोटे उ की मात्रा धू, फिर न ने को छोटे उ की मात्रा नू, ओके तू तू दु धु नू, ओके। नेक्स्ट है हमारा फ, फ को छोटे उ की मात्रा पु, फिर फ, फ को छोटे उ की मात्रा फू, व, व को छोटे उ की मात्रा बु, फिर भ, भ को छोटे उ की मात्रा भू, फिर म, म को छोटे उ की मात्रा मु, ओके। पु, फु, बु, भु, मु, ओके। नेक्स्ट य, य को छोटे उ की मात्रा यू। अब र की मात्रा में देखो बेटा, र में जब उ की मात्रा लगती है तो वो यहाँ नीचे नहीं लगती है, जैसे सब में तो नीचे, उनके नीचे मात्रा लगी हुई है, बट र में छोटे उ की मात्रा यहाँ लगती है, रू, ओके। र, र को छोटे उ की मात्रा रू, फिर ल, ल को छोटे उ की मात्रा लू, फिर व, व को छोटे उ की मात्रा वू, ओके। क्लियर है सबको? फिर हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, तो एक बार हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा श, श को छोटे उ की मात्रा सु, ओके, शु, फिर श, श को छोटे उ की मात्रा शु, सॉरी, फिर स, स को छोटे उ की मात्रा सु, फिर ह, ह को छोटे उ की मात्रा हु। यहां भी हम क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस के नीचे क्रॉस लगाना है, सु 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 हु, ओके। फिर क्ष, क्ष, क्ष को छोटे उ की मात्रा शु, फिर त्र, र को छोटे उ की मात्रा त्रु, फिर ज्ञ, ज्ञ को छोटे उ की मात्रा ज्ञु, फिर श्र, श को छोटे उ की मात्रा श्रु, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जोड़ कर लिखिए, हमें इनको जोड़ कर लिखना है। जैसे ये फ्रेंड्स अलग अलग बैठे हुए हैं, इनको हम एक साथ ले आएंगे। पहले मैम ने यहाँ पे प लिखा है, तो हम यहाँ भी प लिखेंगे, फिर प के साथ छोटे उ की मात्रा लगाई है, तो प को छोटे उ की मात्रा, फिर ल, तो ल, प, प को छोटे उ की मात्रा उ, ल, पुल, ओके। देखो प को छोटे उ की मात्रा लगती है तो क्या बनता है, पु, प को छोटे उ की मात्रा लगती है तो क्या बनता है, पु, पु, ल, पुल, फिर स, स के बाद में छोटे उ की मात्रा लगानी है स पे, फिर म, फिर न, तो क्या बन जाएगा, स, स के छोटे उ की मात्रा सु, म, न, सुमन। नेक्स्ट ब, र को छोटे उ की मात्रा बु, फिर ल, फिर ब, फिर ब को छोटे उ की मात्रा बु, फिर ल, क्या बन गया, बु ल, बु ल, बुल बुल, ओके, बु ल, बु ल, बुल बुल, पु ल, पुल, सु म, न, सुमन, बु ल, बु ल, बुल बुल, ओके। तो ये हमें क से श्र तक छोटे उ की मात्रा लगानी है, और ये अक्षर जो है जोड़कर लिखने हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर।